सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाइए। राम रहीम की करीबी हनीप्रीत के खिलाफ पंचकुला में केस दर्ज किया गया है। 25 अगस्त को पंचकुला में हुई हिंसा के दौरान दंगे भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर एएस चावला ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा मामले में हनीप्रीत के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हरियाणा पुलिस सूत्रों का कहना है कि हनीप्रीत नेपाल के महेंद्र नगर में छिपी हुई है। उसे 3 लोगों के साथ देखा गया है। वह वहां पिछले एक सप्ताह से रुकी हुई है। उसे नेपाल नंबर की गाड़ी से आते जाते देखा गया है। उसे अपना हुलिया बदल लिया है ताकि उसकी पहचान न हो पाए। उसकी खोज के लिए पुलिस की 10 टीमें बनाई गई हैं। इससे पहले हरियाणा पुलिस ने पंचकुला में हुई हिंसा को लेकर वांछित लोगों की एक सूची जारी की है। इसमें कुल 43 लोगों की तस्वीर है। इस लिस्ट में राम रहीम की करीबी हनीप्रीत कौर का नाम सबसे ऊपर है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।